ठीक है, ये वुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना कि वुड को हमेशा पास्ट टेंस में भी यूज करोगे, वुड हमेशा पास्ट में ही यूज नहीं होता, ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है, बट हम वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह के लिए प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट में भी वुड को यूज कर लेते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह के लिए, किसी से विनम्र निवेदन वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं वुड को, और कोई भी मॉडल वर्ब को ना फ्यूचर बनाने के लिए आप उसमें बी का भी यूज कर सकते हो, ही वुड बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट रहेगा, तो वुड आपका प्रेजेंट भी बताता है, पास्ट भी बताता है, फ्यूचर भी बताता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो यहाँ का वुड प्रेजेंट है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, यहाँ वुड से आप क्या कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, तो यहाँ वुड पास्ट टेंस है और यहाँ का वुड प्रेजेंट टेंस है, तो हम तीनों सेंस में यूज कर लेते हैं, तीनों सेंस में यूज कर लेते हैं। अब देखो वुड और क्या क्या बताता है, ओके, ये वाला तो आपको बता ही दिया, वुड क्या क्या बताता है, हम वुड किसके लिए यूज करते हैं, वुड बहुत सारा मूड एक्सप्रेस करता है, जब भी सेंटेंस में आपको डिजायर बताना हो, अपनी इच्छा व्यक्त करनी हो, ओके, अपनी चाह या इच्छा व्यक्त करनी है, तो हम उसके लिए वुड लगाते हैं। वुड क्या क्या बताता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इच्छा व्यक्त करनी हो, आई वुड लाइक टू गो होम, अब मैं घर जाना चाहूंगा, आपको घर जाने की इच्छा है, तो उसके लिए हम वुड का यूज कर लेते हैं, वुड का यूज कर लेते हैं, यस, वुड बहुत सारा चीज बताता है। अब मुझे बताओ, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, और आप मुझे बोलोगे मैम वुड तो पास्ट टेंस होता है, विल का पास्ट टेंस वुड है, ठीक है, बट हम वुड को प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेते हैं, मैं अभी खेलना चाहूंगा, तो मैं अपने यहाँ खेलने का डिजायर व्यक्त कर रहा हूँ। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल, घर पे रहने स्कूल में जाने से बेटर है ना कि मैं घर पे रहूंगा, तो यहाँ पे आप अपनी घर पे इच्छा रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हो, और ये मत सोचना कि हमेशा वुड पास्ट ही होता है, वुड को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेते, प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेंगे। अरे भाई 24 आवर्स स्टडी प्लान, एकदम खुश रहिए, खुश रहिए, A to Z बैच आप सब जगह कर रहे हैं, बस बैच ही नहीं करना है, रिजल्ट भी देना है, अब मुझे आपका नाम याद हो गया ना, तो वुड हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया है कि मैम वुड तो पास्ट होता है, हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं। और वुड क्या क्या बताया, डिजायर बताता है, इच्छा बताता है, चाह बताता है, और वुड और क्या बताता है, हाँ ये तो बता ही दिया, कल मैंने बताया था ना कि यूज टू की तरह वुड को हम पास्ट हैबिट बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बार मैं सब लिख दूंगी, सब एक साथ लिख दूंगी, पहले पहले, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कल, कहाँ वुड होगा कहाँ शुड होगा, रुको 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 1 मिनट, आप ऐसा करो यहाँ पे लिखो वुड, आपको ना स्लाइड से लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा लिखो, ठीक है, वुड को हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वुड हमेशा पास्ट ही होगा, विल का पास्ट वुड होता है, बट हम वुड को प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या क्या वुड बताता है, एक वुड बताता है विलिंगनेस, विलिंगनेस के लिए डिजायर, अपनी चाह वगैरह व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा वुड क्या बताता है, एक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, अब बता रही हूँ कहाँ से कैसा, एक अभी हाल फिलहाल में, इस बार के मेंस में नहीं, पिछले बार के मेंस में एक एरर आया था, ठीक है, पिछले बार के मेंस में एक एरर आया था, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले तो ये लिख लो, मैंने लिखा आई वुड लाइक टू हैव, या आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो होम, घर जाना चाहूँगी, फिर मैंने लिखा वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, फिर लिखा मैंने ही सेड डैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, उसने कहा था कि वो आएगा, चलो पहले इसको कॉपी कर, चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, आई वुड लाइक टू गो होम, पहले मुझे बताओ कि टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, हाँ इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, हाँ वो तो था ना, वो एक सुंदर सड़क हुआ करता था, कहाँ से होगा, वहां तो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ वुड कहाँ से लगाओगे, पहला वाला सेंटेंस देखो, आई वुड लाइक टू गो होम, यहाँ पे आई वुड लाइक टू गो होम में वुड क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और ये प्रेजेंट टेंस है, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ये भी प्रेजेंट टेंस है, चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, आपके घर कोई आएगा ना तो ये मत बोलना विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्योंकि विल को हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, बट आपका गेस्ट तो अभी आया हुआ है ना,
तो पोलाइट रिक्वेस्ट को के लिए हम वुड को प्रेजेंट टेंस में भी कर देंगे, और यहाँ का वुड पास्ट है, पास्ट है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में वुड क्या बता रहा है? उसके घर जाने की इच्छा, उसके घर जाने की इच्छा प्रेजेंट में, और ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, ठीक है, उसने अपने आने का विलिंगनेस एक्सप्रेस किया था पास्ट का। और यहाँ का वुड इच्छा नहीं बता रहा है, यहाँ का वुड पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। हाँ, आपके घर कोई आए ना तो बोलियो मत बोलना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो पिछले बार के मेंस में आया है, पिछले बार के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैम कुड बी तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, कुड बी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हो तो हम वुड तो लगाते हैं, ठीक है, वुड तो लगाते हैं, साथ में कुड भी लगाते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, दोनों जगह निवेदन किया जा रहा है, और दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस है जो आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर देना, अगर आप किसी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना जो, जिसे आप फॉर्मल हो, फॉर्मल हो, थोड़ा सा औपचारिक हो, तो वहाँ पे हम वुड लगाते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अपने दोस्त वगैरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस व्यक्ति से ना, जैसे ऑफिस वगैरह में अपने मैनेजर, बैंक मैनेजर, किसी किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हो औपचारिकता के रूप में कर रहे हो तो वुड लगाना, और अपने दोस्त वगैरह से कर रहे हो तो कुड लगाना। लेकिन सेंटेंस में थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो तो सेंटेंस में जब लिखा हुआ आएगा तो नहीं पता चलेगा, तो वहाँ से तो एरर आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सही है। ये तो आप बोलचाल में यूज़ कर लेना, बोलते समय देख लेना, जिससे औपचारिक हो वुड लगा देना, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज वगैरह हो फ्रेंड वगैरह के लिए इनफॉर्मल लगा देना। और मैंने लिखा कुड यू लेंड मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और आप वुड भी कर सकते हो, वुड यू हेल्प मी इन डूइंग द वर्क, क्या आप मेरे को हेल्प करोगे इस काम को करने में। तो यहाँ पे ना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये मत सोचना ना कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न के साथ साथ एक पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये भी सही है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे इस काम को करने में, प्लीज़ कर दो, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, और दोनों करेक्ट है। हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी यूज़ कर लेते हैं, हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपके मेंस में ना, इस बार के नहीं, पिछले वाले मेंस में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, फिल अप द ब्लैंक्स, इसको नोट करो, नीचे लिख रही हूँ, फिल अप द ब्लैंक्स में पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी ने इस बार का नहीं पिछला वाला दिया होगा तो ऐसा था, डैश यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, क्या आपको एतराज़ होगा मेरे को कुछ पैसे देने में। ओके, आप रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे पैसे मांग रहा है, पिछले साल के मेंस में था और ये फिल अप द ब्लैंक्स में था, और आपके ब्लैंक में ना ऑप्शन में था कुड भी था, हाँ, आपके ऑप्शन में कुड भी था और आपके ऑप्शन में वुड भी था, ठीक है, दोनों था, और यहाँ तो वो कुछ पैसों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप रिक्वेस्ट के लिए तो कुड भी लगा सकते हो और वुड भी लगा सकते हो, बट फिल अप द ब्लैंक्स में दोनों तो हो नहीं सकता, आंसर तो कोई एक ही होगा। चलो बताना, कैन हम यूज कर देते हैं, बट कैन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए थोड़ी यूज होता है, आप यूज कर दे रहे हो, हम तो कैन भी यूज करते हैं, तो आप गलत यूज कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन यू हेल्प मी नहीं, क्या कैन तो एबिलिटी बताता है, क्या आप में क्षमता है मेरे को हेल्प करने की, बट आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट के लिए या तो कुड लगाओ या तो वुड लगाओ। ओके, कुड में फॉर्मल इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है, बट अदरवाइज दोनों, यहाँ तो दोनों सही है, क्योंकि यहाँ दोनों इसलिए सही नहीं है ना, पता ही नहीं चल रहा कितने बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हो या दोस्त से कर रहे हो। लेकिन जब भी माइंड वर्ड आ गया, माइंड वर्ड सारा खेला करेगा। ओके, माइंड वर्ड से डिसाइड करना है ना कि क्या होगा आंसर, तो ये कुड के साथ साथ माइंड वर्ड लगता ही नहीं है, ये माइंड वर्ड बना ही है वुड के साथ, वुड यू माइंड, कुड यू माइंड नहीं हो, कुड नहीं होगा, कुड लगेगा नहीं निखिल, कुड नहीं लगेगा, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, तो माइंड वर्ड है ना, माइंड का मतलब होता है एतराज़ करना, आपको कुछ पैसे देने में एतराज़ होगा, हाँ, तो माइंड वर्ड वुड के साथ ही बना है, कुड मत लगाना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा, वी बोरो मनी फ्रॉम आवर नोन वंस, अरे ऐसा थोड़ी है, इतना ज़्यादा आप लोग लॉजिक क्यों लगाते हैं, वी बोरो मनी फ्रॉम आवर नोन वंस, हम उसी से पैसे बोरो करेंगे ना जो हमारा बहुत नज़दीक है, और जो आपका बहुत नज़दीक है तो कुड होना चाहिए ना, लेकिन आंसर वुड होगा। कभी कभी मजबूरी में ना हम जिससे बहुत दूर है, अपने बॉस वगैरह से भी मांग लेते हैं, ऑफिस के कलीग से भी मांग लेते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, अपना दिमाग गुफरान मत लगाइए ज़्यादा, बड़ों से एल्डर से वुड करते हैं, उससे कुड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो लिख लिया इसको, माइंड वर्ड जहाँ भी आ गया, आई वॉन्ट माइंड, ठीक है, आई वॉन्ट माइंड होगा, विल, आई विल नॉट माइंड, आई वुड नॉट माइंड, माइंड वर्ड विल के साथ बना, आई कैन नॉट माइंड या आई कुड नॉट माइंड नहीं बना, आई विल नॉट माइंड, मुझे इतराज़ नहीं होगा, आई वुड नॉट माइंड, तो माइंड वर्ड विल के साथ ही बना। चलो ये वाला हो गया, ये वाला वुड वाला कहानी ख़त्म है। और कल मैंने आपको ये बता दिया था कि कभी कभी ये अभी जो तीन चीज़ बताया था ना, कि ये जो वुड क्या बताता है, एक वुड लिख लेना बगल में, एक वुड डिज़ायर भी होता है, एक वुड पोलाइट रिक्वेस्ट भी होता है, और कल मैंने एक और चीज़ बताया था कि एक वुड और क्या बताता है, एक वुड हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट ऑफ द पास्ट कल आपको करवा दिया था। ओके, तो आप बोलोगे मैम यूज टू भी तो हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है और वुड भी तो हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, दोनों 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 हैबिट ऑफ पास्ट बताता है। क्या क्या बताओ, कल क्या डिफरेंस बताया था, बहुत डिटेल में बढ़ाया था, दोनों तो हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, यूज टू एक्शन वर्ब के लिए भी होता है और यूज टू स्टेटिव वर्ब के लिए भी होता है, बट वुड हमेशा एक्शन के लिए, तो वुड हमारा बेसिकली तीन चीज़ बताता है जो आपके एग्जाम्स में आता है।